हेलो बच्चों, कैसे हो? 10वीं कक्षा में संस्कृत का पाठ नंबर 6 सुभाषितानी यानी मीठे वचन, इसका श्लोक नंबर 4 में आ गए हैं। देखिए, उदीरी तो अर्थ है पशुनापि गृह्यते, हयास नागास्त वहंती बोधिता, अनुत्तम अप्युहति पंडितो जन है, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है कि उदीरित है अर्थ है, कहे हुए का अर्थ तो पशुनापि पशु द्वारा भी गृह्यते ग्रहण किया जाता है, यानी पशु भी कही हुई बात का अर्थ ग्रहण कर लेता है। हयाह च नागाह च, घोड़े और हाथी वहंती माने ढोते हैं, बोधितः बोध कराए जाने पर, हाँके जाने पर या बोध कराए जाने पर। तो बोध कराए जाने पर तो घोड़े और हाथी भी बोझ ढोते हैं, यानी पशु तक भी अपना कार्य करते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है, पंडित जन है विद्वान लोग तो अनुक्तम अप्युहति बिना कहे हुए को भी समझ जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। अनुक्तम न कहे हुए का भी उहति माने अनुमान लगा लेते हैं, समझ जाते हैं। पंडित लोग तो न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं, यानी बिना कहे ही समझ जाते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया है, ही माने क्योंकि, बुद्धया माने बुद्धियां जो होती हैं वो, पर दूसरों के इंगित ज्ञान फलाह संकेत से ही ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, दूसरे के इशारे से ही ज्ञान रूपी फल प्रदान करने वाली बुद्धियाँ होती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और उसे बिना कहे मात्र संकेत से ही कार्य करना चाहिए, इसलिए दूसरे के संकेत मात्र से ज्ञान रूपी फल प्रदान करने वाली बुद्धियां होती हैं। भाव क्या है इस श्लोक का? भाव यह है कि बुद्धिमान लोगों को बार बार किसी कार्य के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो इशारे से ही समझ जाते हैं, क्योंकि पशु भी कहे जाने पर हाँके जाने पर तो कार्य करते हैं, बोझ ढोते हैं, जबकि मनुष्य तो बिना कहे मात्र संकेत से ही कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। आप चाहें तो इस श्लोक का अन्वय और शब्दार्थ नोट कर सकते हैं। श्लोक नंबर 5 देखिए, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरणाम, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध होता है, देह स्थितो देह विनाशाय, जो कि देह में स्थित होता है और देह का ही विनाश करता है। देह में स्थित देह के विनाश के लिए पहला शत्रु मनुष्यों का क्रोध ही होता है। यथा स्थित है काष्ठगतो ही वहनी, यथा माने जैसे काष्ठगतो स्थित वहनी, लकड़ी में स्थित अग्नि, स एव वहनिर्दहते काष्ठम, वही अग्नि काष्ठ को जलाती है, और इसी प्रकार जो है शरीरम, शरीर में स्थित क्रोध जो है शरीर को जलाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसका अन्वय देखिए। अन्वय होता है श्लोक का गद्य रूप, नराणाम देह विनाशाय प्रथम है शत्रु, मनुष्यों का शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु देह स्थित क्रोध है, शरीर में स्थित क्रोध होता है। यथा काष्ठ गत है स्थित वहनी, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठ में उदहते लकड़ी को ही जला देती है, तथयु उसी प्रकार शरीर स्थ क्रोध है शरीरम दहते, शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा क्रोध व्यक्ति को वैसे ही नष्ट कर देता है, वैसे ही जला देता है, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है। अब लकड़ी में स्थित अग्नि से मतलब ये हुआ कि लकड़ी के अंदर ज्वलनशील जो गुण है वही अग्नि होता है,
जो उचित परिस्थिति पा करके, जैसे ऑक्सीजन और गर्मी इत्यादि, तो उचित परिस्थिति पा करके वो जलने लग जाती है लकड़ी। ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध आवेश में आने पर खुद मनुष्य को ही जलाता है और गलत कार्य करवाता है, विनाश तथा विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध त्यागना चाहिए। छठा श्लोक देखिए, कहता है मृगा मृगै ही सम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गाः तुर्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। हिरण हिरणों के साथ अनुगमन करता है, संगम अनुव्रजन्ति माने साथ अनुगमन करता है, यानी हिरण हिरणों के ही पीछे पीछे चलता है, उन्हीं के साथ चलता है, दूसरे जानवरों के पीछे नहीं जाता। गावस्य गोभी ही गाय गायों के पीछे चलती है, तुर्गा तुर्गई ही घोड़े घोड़ों घोड़ा घोड़ों के साथ चलता है, मूर्खा च मूर्ख ही मूर्ख मूर्खों का अनुगमन करता है, मूर्खों के पद चिन्हों पर चलता है, जैसा मूर्ख करते हैं वैसा ही दूसरा मूर्ख करता है। सुधि या सुधि भी और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों का ही अनुसरण करता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम्, समान आचरण और आदत वालों में मैत्री पाई जाती है, मित्रता होती है। ठीक है, इस श्लोक का मतलब क्या है, आशय क्या है? आशय ये है कि किसी व्यक्ति का आचरण कैसा है, किसी व्यक्ति की आदतें कैसी हैं, इसका पता लगाने के लिए उसकी संगत का पता लगा लिया जाए तो आसानी रहती है। यानी अगर वह व्यक्ति दुष्टों में रहता है तो निश्चित रूप से वह दुष्ट ही है, अगर वह बुद्धिमानों के बीच बैठता है तो निश्चित रूप से वह बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि समान आचरण और आदत वालों में प्रायः मित्रता ही होती है। यानी अगर मैं किसी चोर उचक्के के साथ उठता बैठता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है, कोई ना कोई रुचि है उस कार्य में। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठता हूँ तो इसका मतलब मेरी राजनीति में रुचि है, तो मेरी संगति भी मेरे आचरण और आदत के बारे में बताती है। वैसे इसका एक और भाव भी निकलता है, लेकिन वो सही तो नहीं बैठता, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका एक भाव ये भी निकलता है कि समान आदत और आचरण वालों में ही मित्रता निभती है, इसलिए हमें अपने जैसे ही आचरण वाले लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए। तो ये उतना ज़्यादा फिट नहीं बैठता जितना मैंने जो अभी बताया था, वो ज़्यादा ठीक बैठता है कि किसी व्यक्ति का आचरण और आदतें कैसी होंगी इसका उसकी संगति से ही पता चल जाता है। इस श्लोक का अन्वय और शब्दार्थ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।